हेलो फ्रेंड्स, आइए, स्वागत है आपका फिर से। दोस्तों, लास्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें मैंने आपको 2 साल तक के लिए बताया था कि जब आपका एक जो रेट आता है वो पूरा नंबर जो है होल नंबर में आता है, 2%, 4%, 5%, तब हमने कैसे सोल्व करना है। आज इस वीडियो में बात करेंगे, अभी 2 साल के लिए ही करेंगे, लेकिन जो रेट आएगा वो आपको फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। जब रेट फ्रैक्शन में आता है तब कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे कि पहली वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको परसेंटेज, आपने अगर ये जिसने मेरे परसेंटेज वाला टॉपिक नहीं देखा है, वीडियोस नहीं देखी हैं, एक बार वो वाली वीडियोस जरूर देख लें, ताकि क्योंकि परसेंटेज वाला जो टॉपिक है मैंने आपको पहले ही बताया था उस वीडियो में, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ पर परसेंटेज ही काम आती है, ठीक है। तो एक बार परसेंटेज का जो टॉपिक है वो जरूर वहाँ से कंप्लीट करें, कम से कम परसेंटेज के बारे में तो जरूर ही जान लें वहाँ से, तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। परसेंट फ्रैक्शन में कैसा होगा, जैसे कहा गया कि 16 से ही 2/3% आपको रेट दे दिया गया, ठीक है। इसके बारे में हमने परसेंटेज वाले वीडियो में डीपली बात की है। तो 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 * 3 = 48 और तो 50/3%। और जब परसेंट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 50 * 100, तो ये हो जाता है फ्रैक्शन में 1/6, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या ध्यान रखना है, जब हमें रेट फ्रैक्शन में दी गई होगी तब हम उसको फ्रैक्शन में ही चेंज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें क्या है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जैसे 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। और मैं चलो एक बार टेबल फिर से जल्दी से बना देता हूँ ताकि आप समझ लो। जैसे 1/7 अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो कितना होता है ये, अब आपको क्या करना है, जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो नॉर्मली 100 से गुणा कर देते हैं, और जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, 14 से ही 2/7%। ऐसी 1/8 का मतलब होता है, देखो 12 * 96 = 4, 12.5%। ऐसे 1/9 का मतलब होता है, 11 से ही 1/9%। और 1/10 का मतलब पता ही है, 10%। ऐसी 1/11 का मतलब होता है, 11 * 99 = 11, 1/11। 1/12 का मतलब 12 * 96 = 1/3%, तो 1/3%। 1/13 का मतलब होता है, 13 * 97 = 91, बचा कितना, 9 यहाँ पर, तो 9/13%। ऐसी 1/14 का मतलब क्या होता है, 7 से ही 1/7%। ऐसी 1/15 का मीनिंग होता है, 6 से ही 2/3%। और 1/16 का होता है, 6 से ही 1/4%, ठीक है। इतने फ्रैक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई फ्रैक्शन नहीं आता है। इसको आप अच्छे से जो है समझ लेंगे, ठीक है। समझने से मेरा मतलब है कि अगर आपको आ रहा है 6 से ही 2/3% वहां पे, तो आपको क्या सुनाई देना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, क्या दिखाई देगा वहां पर, 1/15, 1/15 दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस टेबल को आप समझ गए होंगे कैसे बनानी है। ये आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या फायदा होने वाला है वो अभी दिखाई देगा। अब यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि हम, हमें क्वेश्चन में दिया गया है रेट 16 * 2/3%, उसका मतलब होता है 1/6। अब आप ध्यान रखना, जो ये 1/6 है इसके स्क्वायर को, अभी हम टाइम कितना ले रहे हैं यहाँ पे, फिर से समय हम फिर से अभी 2 साल ही ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मेथड जो है आपका 2 साल के लिए भी और 3 साल के लिए भी, ये दोनों के लिए ही काम करेगा, ठीक है। चाहे 4 हो चाहे 5 हो, ये सबके लिए काम करेगा, ये यूनिवर्सल है, हर जगह काम आएगा, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, अगर समय 2 साल है तो जो आप प्रिंसिपल मानोगे, ठीक है, जो प्रिंसिपल हम मानेंगे वो क्या कर देंगे, जो नीचे जो डिनोमिनेटर होगा इसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 36, इसको हम मान लेते हैं प्रिंसिपल। ऐसा क्यों करते हैं, देखो, अब मैंने ये माना कि जो 36 है ये क्या है, प्रिंसिपल। अब एक टेबल बनाने वाला हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में हमने टेबल बनाई थी, इसी टाइप से यहाँ एक छोटी सी टेबल बनेगी और उस टेबल के बिना भी आंसर आप निकालोगे, लेकिन पहले उसका एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है, और समझते हैं। अब मैंने प्रिंसिपल माना 36, तो जो पहले साल में ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/6। इस 1/6 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 6 रुपए पर 1 रुपया। जैसे 16 से ही 2/3% का मतलब होता है कि अगर 100 रुपए प्रिंसिपल होगा तो 16 से ही 2/3 रुपए ब्याज के मिलेंगे। इस चीज को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 6 रुपए अगर प्रिंसिपल है
तो 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी कि 1/6 जो भी धनराशि है उस पर हमें 1/6 ब्याज मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आप समझिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक समझना बड़ा जरूरी है। जब तक आप किसी भी इमारत की नींव मजबूत नहीं करोगे तो वो इमारत कहाँ से मजबूत रह जाएगी। तो नींव मजबूत करनी बहुत जरूरी है, तभी मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। इस 1/6 का मतलब क्या है कि जो भी धनराशि है उस पर 1/6 ब्याज मिलेगा, या कह सकते हो 6 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। तो ये 36 है तो पहले साल में इसका 1/6 ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा 6 रुपए का। ठीक है, अब दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल में ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज प्लस अगले साल का ब्याज पे भी ब्याज। ठीक है, या कह सकते हो के मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा इस 36 पे, इस 6 का 1/6 फिर से होगा, इस पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, और ये जो ब्याज बचा इसका भी 1/6, यानी कि कितना 1 रुपया और मिलेगा। तो समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर जो सीआई मिला, जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला हमें, अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं हम कि क्या क्या हुआ हमारे पास। देखो ये जो पूरा है, ये बॉक्स, ये क्या है? सीआई है, कि पहले साल में मिला 6 और दूसरे साल में मूलधन पर तो 6 और ब्याज पर 1, तो टोटल कितना हुआ? 6 और 6 12 और 1 13 रुपए का। तो ये 13 जो था ये क्या आया? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया। और अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूं, ये 6 और 6 तो ये हुआ SI, तो SI कितना हुआ? 6 + 6 यानी कि 12, और जो ये बचा 1, ये क्या है यहाँ पर? डिफरेंस, दोनों का 2 साल का कितना है ये डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर फिर से हमारे पास वही चीज आ गई जो वहां टेबल में आई थी। ठीक है, अगर देखा जाए जब हमारे पास यहाँ पर रेट कितना है 16.2/3%, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1/6 में, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रिंसिपल आया वो इसका स्क्वायर, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझें, जो भी ये डिनोमिनेटर होगा इसके स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर? प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे। जब इस प्रिंसिपल का पहले साल का ब्याज होगा 1/6 तो कितने रुपए का मिलेगा? 6 रुपए का। अगले साल इस 36 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 6 पे भी मिलेगा 1 रुपए का, तो टोटल सीआई कितना आया? 13, डिफरेंस 1, तो SI कितना है? 12, डिफरेंस 1 का आया। ठीक है, अब इस चीज को एक एनालिसिस करते हैं, इस चीज का थोड़ा सा दोबारा से मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लो इसको। अब इस टेबल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कैसे करोगे, ये चीज मैंने बस समझाई है आपको। जब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कितना है यहाँ पर जो हमारा रेट है वो है 1/6, तो जब सीआई की बात होगी, जब बात होगी यहां से ओनली सीआई की, तो आप क्या करोगे? इसका दुगना करके 1 ये जोड़ दो, यही तो हो रहा था भाई, इसका दुगना करो और 1 जोड़ दो, तो 6 × 12 और 1 13 डायरेक्ट आएगा। ठीक है, जब बात आएगी एसआई की, तो एसआई तो हर साल बराबर होता है, 6 × 12 ये हमेशा डिफरेंस होगा। अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंस दिया गया है और अगर ऊपर 1 है जो हमारा रेट है, जब हम रेट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और ऊपर अगर कितना आ रहा है 1, तो ध्यान रखना 2 साल के लिए डिफरेंस यही होगा, डिफरेंस हमेशा 1 ही आएगा। अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंस की वैल्यू दे दी है कि 16.2/3% ब्याज की दर पर सीआई और एसआई का 2 साल के लिए अंतर इतना है, ठीक है, तो आप किसकी वैल्यू रखोगे? हमेशा 1 की, डायरेक्ट बिना कोई कैलकुलेट करे 1 की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, यहां से और क्या मिल रहा है? अगर मैं बात करूं अब अमाउंट की, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो जो ये है डिनोमिनेटर इसके स्क्वायर को हम प्रिंसिपल मानते हैं, यानी कि 36, और सीआई कितना आ रहा है यहाँ पर? 13, तो ये हो गया 39। तो कोई टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 1/6 आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर प्रिंसिपल, 6 × 12 और 1 13, ये क्या होगा? सीआई, और 6 × 12 क्या होगा? एसआई। अब एक पांचवी चीज और देख लेते हैं जो पूछ ली जाती है, कहा जाएगा सिर्फ दूसरे साल का ब्याज, ओनली इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे 6 और 1 यानी कि 7, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, इन दोनों ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाता है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से समझ लो, आप इजीली सब कुछ करोगे। ठीक है, एक और फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए जल्दी से कैसे करेंगे चीजों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें
रेट दे दिया गया है 12.5%, तो इसका मतलब होता है 1/8। अब मैं आपसे कहा मैंने सीआई बताओ दोनों साल का, तो 8 दूनी 16 और 1 17, मैंने कहा एसआई बताओ, तो 8 दूनी 16, डिफरेंस 1, अमाउंट भाई 8 अट्ठे 64 और प्लस 17 81, और कहा दोनों साल का तो 8 और 1 9, सॉरी दूसरे साल का है ना, केवल दूसरे साल का ब्याज 8 और 1 9। तो ये पांचों चीजें हमारे पास हैं, तो एग्जाम में कोई भी एक चीज देगा और कोई भी एक चीज पूछ लेगा, तो कोई टेबल नहीं बनानी, डायरेक्ट आप करोगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फटाफट करेंगे। मैंने कहा कि रेट हमें दे दिया गया है 8 सही 1/3%, तो क्या मतलब होता है इसका, 1/12। मैंने कहा दोनों साल का सीआई 12 दुनी 24 और 1 25, ठीक है, मैंने कहा एसआई 12 दुनी 24, डिफरेंस तो हमेशा एक ही आना है, अमाउंट 12 का स्क्वायर 144 और सीआई कितना है ये 25, तो 169। मैंने कहा केवल दूसरे साल का, तो 12 और 1 13, कोई टेबल नहीं बनानी, बहुत जल्दी हमारा आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए इस चीज पर क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे हम जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के लाएंगे। ठीक है, आओ तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ आ रही होगी आपको। यहां से मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ ताकि जल्दी से बहुत जल्दी आंसर निकाल के लाएंगे, और एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वहां पर हम कैलकुलेशन करने में थोड़ा लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि हमें रेट दिया गया है 16 सही 2/3% का, और सीआई दे दिया गया है यहां पर हमें 52 रुपीज, टाइम वही है, अभी हम 2 साल के लिए ही कर रहे हैं, टाइम है 2 साल का, तो हमें प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर कितना है, 16 सही 2/3%, इसको फटाफट चेंज करेंगे 1/6, क्या दिया है सीआई, तो 6 दुनी 12 और 1 13, यानी कि 13 की वैल्यू 52, प्रिंसिपल यानी कि 6 छंग 36, 36 की वैल्यू कितनी, 13 चौका 52, 4 छंग 24, 2 चार 12 और 2 14, 144, तो प्रिंसिपल कितना आया, 144 रुपये, बहुत जल्दी आंसर निकल के आ रहे होंगे। ठीक है, आइए और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ये पढ़ने में मुश्किल लगते हैं कि क्या फ्रैक्शन दे दिया है ये, ठीक है, लेकिन ये और भी इजी है, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किए थे ये उनसे भी ज्यादा इजी, उनसे भी ज्यादा जल्दी आंसर निकल के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, रेट हमें दिया हुआ है 14 सही 2/7%, यहां पर सीआई दिया है हमें 105 रुपये, टाइम वही 2 साल का, और प्रिंसिपल हमें बताना है, तो रेट कितना दे रखा है, 14 सही 2/7, इसका मतलब कितना होता है, 1/7। ठीक है, अब जब 1/7 है ये, तो क्या दिया है हमें सीआई, तो मैंने आपको बताया था इसका दुगुना करो और 1 जोड़ दो 7, ये कोई ट्रिक नहीं बता रहा मैं आपको, कुछ रटने का तरीका नहीं है, ये मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिखाया है ना, समझ गया हमने, अब जब कोई चीज हमने समझ ली है तो बार बार हम टाइम वेस्ट क्यों करें उस चीज पे, हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट निकालते हैं ना, डायरेक्ट लेके आते हैं, तो 7 दुनी 14 और 1 15, 15 की वैल्यू 105, क्या पूछा है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना, 49, तो 15 7 105, 7 9 63, 6 7 4 28 और 6 343, आंसर ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको ताकि ज्यादा से ज्यादा आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आंसर लगा पाओ क्वेश्चन में। रेट है 12.5%, इस बार हमें दिया है डिफरेंस, और डिफरेंस दिया है 25 रुपए का, प्रिंसिपल पूछ रहा है, टाइम वही 2 साल। अब आपको ध्यान आ रहा है, मैंने भी आपको बताया था कि जब भी ये क्या कहेगा, ए डिफरेंस, जब भी डिफरेंस बोलेगा तो आपको तो 1 की वैल्यू रख देनी है सीधे सीधे। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 25, क्योंकि 12.5% का मतलब होता है 1/8, यहां पर ऊपर 1 आ रहा है ना, तो ये डिफरेंस ही है, 1 की वैल्यू 25, कितना रहा, 1/8, तो प्रिंसिपल कितना होगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना, 64, तो 25 चौका 100, 10, 25 छंग 150, 150 और 10
160, तो ये हमारा आंसर 1600 रुपये। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही इजी मैंने बना दिया इन क्वेश्चंस को, जो आप थोड़ा कैलकुलेशन में लगे रहते हो कैसे होंगे, फॉर्मूले लगाते हैं कुछ बच्चे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई टेबल नहीं बनानी, कोई तीर कमान नहीं खींचने, ठीक है, खींच देते हैं ना पहले साल दूसरे साल, कोई जरूरत नहीं है उसकी, एनालाइज करना बहुत जरूरी है और आप जल्दी से आंसर लेके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन है रेट दिया है 8 से ही 1/3%, और सीआई दिया है हमें यहाँ पर 1500 रुपये, प्रिंसिपल हमें यहाँ पर बताना है और समय वही अभी चल रहा है 2 साल का। तो 8 से ही 1/3% मतलब दोस्तों 1/12, जब सीआई हमें 1500 दे दिया तो यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25, 25 की वैल्यू 1500, तो कितने की, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 की वैल्यू कितनी, ठीक है। जल्दबाजी मत करना कि यहाँ पर 100 की वैल्यू निकाल दो जैसे कि अभी मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, क्योंकि प्रिंसिपल हम जो यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 0, तो 0, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बस एनालाइज करना है चीजों को, बहुत जल्दी से आंसर लेकर आएंगे हम, अभी तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं ये, जब क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, डरावने से आएंगे, उनको भी हम ऐसे दबा देंगे, ऐसे ही होंगे वो क्वेश्चन भी सारे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, बहुत ईजी कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है कि रेट जो है वो है 6 2/3%, और इस बार हमें डिफरेंस दिया है 90 रुपीज का, प्रिंसिपल बताना है जबकि समय है 2 साल। तो फिर से वही बात, 6 से ही 2/3% मतलब क्या है, 1/15, और डिफरेंस जब दे दिया समझ लो 1 की वैल्यू दे दी 90, तो 15 का स्क्वायर 225, तो 0, 9 5 45, हाथ से लगा 4, 9 2 18 4 22, 2 9 2 18 और 2 20, तो 20,250 क्या था दोस्तों, प्रिंसिपल था। देख रहे हो कितनी जल्दी हो रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, डिफरेंस, तो डिफरेंस तो यही होगा हमेशा, बहुत जल्दी आंसर आ रहा होगा, बहुत जल्दी। अब 2 साल के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी टाइप की आपको रेट दे दी गई हो, अभी हम रेट वाले जब रेट दिया गया और बाकी कुछ पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हमारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, रेट दिया दिया है हमें 6 से ही 1/4%, अब इस बार जो दिया है हमें दिया है सी आई फॉर ओनली सेकेंड ईयर, ठीक है, ये है हमारा 85 रुपीज, तो टाइम तो वही है 2 साल का और हमें प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। अब देखो 6 से 1/4 का मतलब होता है 1/16, ठीक है, जब 1/16 इसका मतलब है तो सी आई फॉर सेकेंड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर, केवल दूसरे साल का क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, 17, तो 17 की वैल्यू 85, ये कितना है, 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, इसकी वैल्यू कितनी, तो 17 5 85, 5 6 30, 3 5 5 25 और 3 28, 5 2 10, 10 और 2 12, 1280 रुपये क्या हो गया यहाँ पर आंसर। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा मुश्किल से लगते हैं, जो कि भाई रेट है 6 से 1/4%, 2 साल के लिए, 2 साल में केवल दूसरे साल के लिए ब्याज इतना है, तो हमें प्रिंसिपल बताओ या अमाउंट बताओ, जो भी पूछे सब कुछ हमारे पास होता है, हम निकाल सकते हैं इजीलिए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। और ये एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी इस टाइप के क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। रेट दिया गया है दोस्तों हमें 12.5%, ठीक है, और बोला है कि सी आई फॉर सेकेंड ईयर केवल दूसरे साल के लिए जो ब्याज है वो है 72 रुपये, तो प्रिंसिपल बताओ जबकि टाइम है 2 साल का। तो समझ रहा हूँ आंसर आ गया होगा अब तक आपका, 12.5% मतलब 1/8, दूसरे साल का मतलब 8 और 1 9, 9 की वैल्यू 72, तो 8, 8 का स्क्वायर 64, 9 8 72, और ये 8 चौक 32, 8 6
4851 512 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 512 रुपए। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें, कैसे हम बहुत इजी बना दे रहे हैं। अभी हमने एक टाइप का क्वेश्चन किया कि जब 2 साल के क्वेश्चन आएंगे, रेट आपको दिया गया होगा अलग अलग, तो किस टाइप से आप बाकी चीजें बहुत जल्दी निकाल सकते हो, ये टाइप मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, 3 साल पर आएंगे, उसके बाद अलग अलग टाइप के जो वेरियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी था कि पहले मैं आपका बेस क्लियर करूं। तो आपको अब जो मैंने आपको परसेंटेज से बताया वो चीज भी समझ आ रही होगी, ये फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट पे आगे के सारे क्वेश्चन हम बहुत जल्दी कर रहे होंगे, आप देखना, बस चीजों को एनालाइजिस करके चलना बहुत जरूरी है दोस्तों, रटना बिल्कुल भी नहीं है, और प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छा स्कोर लेकर आएंगे एग्जाम में, सिलेक्शन लेना है क्योंकि, ठीक है। तो दोस्तों लाइक करें वीडियो को जरूर, पसंद आई हो तो, ताकि मैं आगे ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें प्रोवाइड करा सकूं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।